हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास सैमसंग कंपनी का मोबाइल है और आप इसमें यहां पे वॉइस टाइपिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग सैमसंग के फ़ोन में वॉइस टाइपिंग को कैसे जो है चालू कर पाएंगे, तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आप सभी को बताता हूँ। तो यहाँ पर सैमसंग के फ़ोन में वॉइस टाइपिंग करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे प्ले स्टोर में आना है और यहाँ पर आपको बबल कीबोर्ड लिख के सर्च करना है और इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपल सा अपने मोबाइल के सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको बेसिकली इस तरीके से दिखाई देगा, तो आप लोग यहाँ पर नीचे में आइए और यहाँ पर आपको सिस्टम के नाम से एक एप्लीकेशन दिखेगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पर आपको कीबोर्ड नाम से एक ऑप्शन आएगा, तो कीबोर्ड पे क्लिक करिए और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को जो है क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन को आपको इनेबल कर लेना है। जो एप्लीकेशन आपने यहाँ पे अभी डाउनलोड किया उसको जो है आप इनेबल करिए, तो फिर आपके मोबाइल पर ये जो कीबोर्ड है वो इनेबल हो जाएगा। अब इनेबल करने के बाद दोस्तों आपको जो है लिख मैं आपको दिखा देता हूं, जैसा कि जब आप यहां पे कीबोर्ड को ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से, तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, उसके बाद डायरेक्टली आप लोग कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं, कीबोर्ड को ओपन करके देख सकते हैं। तो जब आप कीबोर्ड को ओपन करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको वॉइस टाइपिंग करके दिखाई देता है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कहाँ गया दोस्तों। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कीबोर्ड में ही आपको वॉइस टाइपिंग के नाम से जो है ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो है यहाँ पे आपको अलाउ करने को बोला जाएगा माइक को, तो आपको अलाउ कर देना है इस तरीके से। तो यहाँ पे अभी मैं स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे अलाउ नहीं हो रहा है, तो जब आप यहाँ पे अपने फ़ोन में अलाउ करेंगे तो डेफिनेटली आपके फ़ोन में अलाउ हो जाएगा, तो फिर आप यहाँ पे बोलकर वॉइस टाइपिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।